हेलो दोस्तों, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इसी दिन 75 साल पहले भारत को आज़ादी मिली थी। जो भी बड़े बुजुर्ग ये सुन रहे होंगे उन्हें वे सारी घटनाएं याद आ रही होंगी जो आज़ादी की लड़ाई के समय घटित हुई थी। तो ये वीडियो उसी आज़ादी की लड़ाई को दर्शाती है। और बच्चों, मैं जानती हूँ आप सब यही सोच रहे होंगे कि हम हमेशा यही सुनते हैं कि भारत को आज़ादी मिली, भारत बंदी बनाया गया था। लेकिन क्या ये सब सच है? क्या भारत को सच में बंदी बनाया गया था? और अगर हाँ तो क्यों? तो आप सबके प्रश्नों के उत्तर लेकर अचल्य विस्मय लोका हम सबके लिए एक वीडियो लेकर आया है। तो चलिए ये वीडियो देख कर जानते हैं कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। अचल विस्मय लोका, एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस फन, ब्रॉट टू यू बाय अचल भारती ट्रस्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत की आजादी की लड़ाई एक बहुत लंबी लड़ाई थी जिसने लोगों को एकजुट किया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अलग अलग सिद्धांतों को अनुसरण करने वाले लोग हो, जवान या बूढ़े हो, औरत या पुरुष हो, ज्ञानी या जन साधारण हो, सबको राजनीतिक अखाड़े में लाके खड़ा कर दिया और शक्तिशाली अंग्रेजी हुकूमत को गिराने में सफल हो। भारत का स्वातंत्र्य संग्राम निस्संदेह अपने आप में एक मुख्य आंदोलन है, इसलिए ही नहीं कि वो अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी दिलाए, बल्कि इसलिए भी कि उसके नेता और उनकी रणनीति भी विश्व में बहुत नेताओं को प्रेरित किया है। चलिए अब हम भारत के स्वातंत्र संग्राम के मुख्य पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। आक्रमणकारी। प्राचीन काल में भारत एक सुभिक्ष राष्ट्र था जिसको लोग सोने की चिड़िया भी कहते थे। भारत की कीर्ति और संपत्ति ने अनेक पर्यटक और आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत की धन संपत्ति और धनाढ्यता विश्व भर में फैल गया था और भारत तक पहुंचने के लिए अनेक अभियानों को आकर्षित करने लगा। भारत पर आक्रमण करने वालों में से सबसे पहला था गजनी के सुल्तान महमूद, जिसने भारत पर 17 बार दावा बोला था। उसने भारत की संपत्ति को लूटा, आदमियों को मार डाला और औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। वो भारतीयों के फौज की ताकत को तोड़ने में और भारत की संपत्ति को लूटने में कामयाब रहा, लेकिन उसने भारत में अपने राज्य की स्थापना नहीं की। घर के मोहम्मद, जिसने गजनी के महमूद को 148 सालों के बाद अनुसरण करते हुए भारत में पहला इस्लामी राज्य की स्थापना की। एक और आक्रमणकारी था तैमूर। उसने दिल्ली पर चढ़ाई करके सामूहिक नरसंहार और लूटमार का आदेश जारी किया। ये आदेश बहुत दिनों तक चला, जिसमें हजारों लोगों को मार गिराया, हजारों लोगों को गुलाम बनाया गया और दिल्ली की सारी धन संपत्ति को लूट लिया गया। तैमूर दिल्ली में 15 दिन रुका और अपरिमित दौलत को लूटा। तैमूर ने भारत में असमानांतर तबाही मचा दी, हजारों गांवों को जला दिया, लाखों लोगों को मार दिया और सभी शहरों को लूट लिया। दिल्ली शहर में कोई आबादी ही नहीं बची और महीनों तक वीरान पड़ा रहा और ढेर सारे लाशों के कारण महामारियां फैलने लगी। बाबर ने, जो तैमूर का परपोता था, 1526 में लोधी के सुल्तान को पानीपत में हराकर दिल्ली में प्रवेश किया और मुगल सल्तनत का पहला बादशाह बना। वास्को डी गामा पहला यूरोपवासी था जो भारत पहुंचा। उसने यूरोप से
भारत आने का एक नया समुद्र मार्ग का खोज किया। 1498 में वास्को डी गामा ने अफ्रीका का चक्कर लगा के केप ऑफ गुड होप को छूते हुए कैलिकटा पहुंचा। ऐसा कहा जाता है कि कैलिकट के एक हिंदू राजा ने उसका स्वागत किया और एक साल के बाद वो पोर्चुगल अपने साथ अपने अभियान के खर्चे से 60 गुना अधिक सामग्री को लेकर वापस चला गया। तत्पश्चात पोर्चुगीज लोगों ने भारत के अलग अलग जगहों पर व्यापार संस्थानों की स्थापना की। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की रचना की गई और डच लोगों का भारत में आगमन हुआ। वो पहले मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश आए, जो आज का मछलीपट्टनम है। डच भारत व्यापार के लिए आए क्योंकि भारत की मसालों की मांग यूरोप में बढ़ रही थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भारत के अलग अलग जगहों पर अपने व्यापार के मूल स्थापित किए और रुई, कपड़े, रेशम, इंडिगो, गोलकोंडा हीरो का व्यापार करने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी यूरोप में प्रसिद्ध भारत के मसालों के व्यापार के लिए ही भारत आई। इसके अलावा वो रेशम, रुई, इंडिगो डाई, चाय और अफीम का व्यापार भी करने लगे। भारत के पूर्व और पश्चिमी समुद्र तटों पर उनके व्यापार के केंद्र स्थापित किए गए और अंग्रेजी समुदाय तीन बड़े शहरों में यानी कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे में फैल गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संस्था से अधिकार में आने लगा। यूरोप से आने वाले आखिरी कंपनी थी फ्रेंच। फ्रेंच दूसरे कंपनियों की तरह मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य के लिए भारत आए, लेकिन वक्त के गुजरते हुए उनके इरादे बदलने लगे और वो भारत को अपना कॉलोनी समझने लगे।